10 दिन पहले ही हमने देखा कि ममता बनर्जी चोटिल हुई थी अपने घर में गिरने के बाद, जिसके बाद माथे पर पट्टी लगाकर, हालांकि वो नबान्नों कई बार आई सरकारी कामकाज के दौरान भी वो पट्टी बांधे हुई माथे पर नजर आए, लेकिन इसमें जो संशय बना हुआ था कि क्या चुनाव प्रचार में वो उतरने वाली है। पिछले बार भी हमने देखा था कि 2019 में जब चुनाव होने थे और उस 2024 में भी वो 2019 की तस्वीर देखने को मिली। 2019 में हमने देखा था कि ममता बनर्जी के पैर पर चोट आई थी और प्रचार अभियान को लेकर संशय बना हुआ था कि क्या वो चुनावी प्रचार पर उतरेंगे, लेकिन हमने देखा कि वो खैला होबे का नारा लगाती है और पैरों में पट्टी डालकर व्हील चेयर पर बैठी हुई प्रचार करती हुई नजर आती है। यहां तक कि वो रैलियां भी करती है, जनसभाएं भी करती है, लोगों का सहानुभूति भी ममता बनर्जी को उस वक्त मिल जाता है। लेकिन इसी बीच अब 2024 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। ममता बनर्जी 10 दिन पहले जिस तरह से चोटिल हुई, उसके बाद लोगों की सहानुभूति एक तरफ से देखा जाए तो वो अपनी ओर खींच चुकी थी। अब इस पर भी संशय बना हुआ था कि क्या वो इस साल फिर से चुनावी प्रचार पर उतरेंगी या फिर वो रेस्ट पर रहेंगी। डॉक्टरों ने उन्हें रेस्ट को कहा है, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 31 मार्च को आखिरकार ममता बनर्जी चुनावी प्रचार पर उतरने वाली है। कहां उतरने वाली है, कौन से जिले में होने वाला है चुनावी प्रचार, बताएंगे इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 31 मार्च से चुनावी प्रचार में उतर रही है। 10 दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने घर पर गिरने के बाद माथे पर चोट लग गई थी। इसके बाद से वह डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रही थी। हालांकि कभी कभी वह सिर पर पट्टी बांधकर अवश्य सरकारी काम पूरा करने के लिए नबान भी जुआती रही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान में ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब इसका खुलासा हो गया है। खबर के मुताबिक ममता बनर्जी 31 मार्च को कृष्णा नगर जा रही है। तृणमूल सुप्रीमो धुबुलिया कृष्णा नगर से पार्टी उम्मीदवार और निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा के लिए एक प्रचार सभा करेंगी। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल ने बंगाल की 42 में से 42 सीटें जीतने का टारगेट लिया हुआ है। ममता बनर्जी पहले भी अलग अलग चुनाव में अलग अलग केंद्रों पर हाई वोल्टेज कैंपेन में जा चुकी है। चुनाव में तृणमूल बीजेपी को बंगाल में रोकने की कोशिश में है और इसलिए प्रमोशन पर ज्यादा जोर है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के बाहर प्रचार नहीं कर सकी है। इससे पहले वह घायल हो गई थी, लेकिन इस बार वह ठीक होने के बाद फिर से पूरे जोर शोर से प्रचार करने जा रही है। खबर है कि मार्च के आखिरी दिन कृष्णा नगर धुबुलिया में अपने पसंदीदा उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के समर्थन में रैली करेंगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के कृष्णा नगर अभियान की शुरुआत एक अलग स्तर पर महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून लागू करने का मुद्दा उठाया है। खासकर मथुआ बहुल इलाकों में CAA के खिलाफ लगातार अभियान शुरू हो गया है। नदिया जिले का कृष्णा नगर भी मथुआगढ़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां की महिला उम्मीदवार हुआ मोइत्रा है, जिन्होंने कभी संसद में बीजेपी विरोधी सुर बुलंद किया था। देखा जाए तो 31 मार्च काफी अहम दिन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी यहां पर बंगाल में चुनावी प्रचार में उतरने वाली है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया अलायंस जो विपक्षी दल है सभी एकजुट होने वाला है, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला है। ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखा जाए तो चुनावी प्रचार पर उतर चुकी है सीएम ममता बनर्जी। भले ही वो चोटिल है, भले ही आराम करने की हिदायत डॉक्टरों ने दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी प्रचार में किसी तरह की कोर कसर ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है। 2019 में जो तस्वीर हमने देखी थी, अब वही तस्वीर 2024 में देखने को मिल रही है, जहाँ चोटिल होने के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनावी प्रचार में उतरने जा रही है। बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हम देख रहे हैं कि टीएमसी को एक के बाद एक ना जाने कितने झटके लग गए। उनके बड़े नेता जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बावजूद इसके ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उनका जो कुनबा है वो फिर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो संदेश खाली भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह से एक के बाद एक गहराता गया, क्या इसका असर पड़ने वाला है इस साल के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जो प्रशांत किशोर है चुनावी रणनीतिकार, उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी को काफ़ी सफलता शायद इस बार के लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। उन्होंने पिछले बार जो भविष्यवाणी की थी और वो सही साबित हुई थी, क्या वो भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित होती है? क्या बीजेपी अच्छा प्रदर्शन इस बार बंगाल में कर पाती है? सभी की नज़र टिकी हुई और आपकी नज़र बनी रहे डिजिटल खबरी लाल पर। खबरें आपकी नज़र हमारी।